मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 अप्रैल 1935 को पैदा हुए लालजी टंडन 12 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और वार्ड पार्षद से लेकर गवर्नर के पद तक पहुंचे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टंडन को लखनऊ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले तक लखनऊ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुने जाते थे। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल टंडन वर्ष 1960 में पहली बार पार्षद चुने गए थे। दो बार पार्षद रहने के बाद 1978 में वो पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए। 1978 से 1996 के बीच वो दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे। फिर 1996 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। तीन बार विधायक रहने के बाद उन्होंने 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर वाजपेयी की विरासत को बरकरार रखा था। लालजी टंडन 1991 से 92 में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने। वो यूपी में बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन वाली सरकार में नगर विकास मंत्री थे। विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे। 23 अगस्त 2018 को उन्हें पहली बार बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। 29 जुलाई 2019 को वो एमपी के राज्यपाल बने थे। लालजी टंडन अपने शुभचिंतकों के बीच बाबूजी के नाम से जाने जाया करते थे। यहाँ तक कि विपक्ष में भी लालजी टंडन के शुभचिंतक थे। लालजी टंडन बसपा सुप्रीमो मायावती के राखी भाई थे। बताया जाता है कि 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में मायावती की जान बचाने में लालजी टंडन की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद से मायावती लालजी टंडन को अपना भाई मानने लगी थी और हर रक्षाबंधन वो उन्हें राखी भी बांधती थी। मायावती और लालजी टंडन का बहन भाई का रिश्ता काफी चर्चा में रहा था। उस समय लालजी टंडन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। उसी दौरान मायावती उन्हें राखी बांधती थी, लेकिन जब 2003 में बीजेपी और बसपा का गठबंधन टूटा तो मायावती ने लालजी टंडन को राखी बांधना छोड़ दिया।